वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो ऑनलाइन आरटीआई आप कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में। ऑनलाइन आरटीआई लगाने के लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले जो है एमपीई सर्विसेज पोर्टल जो है वहाँ पर लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के लिए आपको जो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर services.mp.gov.in यहाँ पर सर्च कर लेना है। वहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप ये पोर्टल पाएंगे, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, सर्विसेज में आप देखिए बहुत सी सर्विसेज आपको देखने को मिल रही हैं स्क्रीन में, जैसे कि लाइसेंस है, ठीक है, और ये सभी सर्विसेज हैं। तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये लाइसेंस परमिट की है, वही हैं उपयोगिता सेवाएँ, विद्युत भुगतान, ऑनलाइन आवेदन की और भर्ती एवं रोजगार की, ठीक है। अब जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो भर्ती एवं रोजगार में देखिए आप रोजगार पंजीयन आप यहां से आवेदन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट जिनको समस्या आ रही है यहीं पर आप उसको अपडेट कर सकते हैं और समग्र आईडी भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। वहीं मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप है और ATS की जो योजना है वो है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में देखिए आप कोविड कोरोना के आवेदन हैं, कोविड अनुकंपा नियुक्ति, तो हमें चाहिए सूचना का अधिकार। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए मैं आपको इसको हाईलाइट कर देता हूँ रेक्टेंगल से, तो ये रहा सूचना का अधिकार, ठीक है। यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, देखिए इस पर क्लिक करिए, ठीक है। तो ये सभी सूचना जो दी गई हैं आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए कि 3000 वर्ड्स की इसमें लिमिट है, तो इसको आप ओके कर दीजिए। आगे बढ़ने पर आप कुछ इस प्रकार से एक डेस्कटॉप पाएंगे। डेस्कटॉप में क्या है कि आपको डिपार्टमेंट जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए वो लिख देना, ठीक है। वहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे कि हमें MPPSC करना है तो उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर यदि आप सिलेक्ट करेंगे तो दो चीज़ें आएंगी, मंत्रालय या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप मंत्रालय सेलेक्ट करेंगे तो सामान्य मंत्रालय आ जाएगा उस प्रशासन, ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग का एक मंत्रालय जाएगा। हमें लेकिन MPPSC चाहिए, तो MPPSC के लिए आप HOD सेमी गवर्नमेंट सेलेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए आप गवर्नमेंट हाउस बहुत सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे, लोकायुक्त है, ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, भवन है और MP पर पब्लिक सर्विस कमीशन है, ट्रिब्यूनल है, तो ये सभी RCB है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा प्लानिंग कमीशन है हमारा, विजिलेंस और गेट, ठीक है। तो हमें MPPSC सिलेक्ट करना है। MPPSC सिलेक्ट करने के पश्चात आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सिलेक्ट करिए, कार्यालय, वहीं आप किस प्रकार से जानकारी चाहते हैं उसको देख लीजिए, सूचना का प्रकार क्या क्या रहेगा आपको, तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि नकल है, निरीक्षण है, रिकॉर्ड निरीक्षण, ठीक है, रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति, यदि आपको कोई दस्तावेज चाहिए उसको वेरीफाई, या फिर प्रमाणित नमूना कॉपी चाहिए उसके, ठीक है, इस प्रकार से। दोनों में हालांकि कोई डिफरेंस नहीं है। तो लिखित जानकारी किस प्रकार से मांगना चाहते हैं, तो लेखन द्वारा आप अपना जो भी जानकारी आपको करना है उसे लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप एक सिंपल सा एप्लीकेशन लिखिए और यहाँ से अपलोड कर लीजिए, ठीक है। आगे की ओर फीस के बारे में बता देता हूँ, तो जो भी आवेदन करता है यदि BPL के हैं तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, वहीं 10 रुपये इसकी शुल्क लगेगी। इस पर और भी चार्ज लगते हैं, तो कुल मिला के जो फीस आगे मैं बता देता हूँ टोटल किस प्रकार से ये फीस हो जाएगी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो फाइल जो भी आप अपलोड कर रहे हैं 1 MB से अधिक की ना हो, PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करिए, ठीक है, ताकि खोलने में सुविधा हो। वहीं आगे और देख लीजिए, तो यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी कोई सिलेक्शन लिस्ट है या फिर कुछ जानकारी चाहते हैं तो उसको अटेस्ट कर दीजिए, या आपके एडमिट कार्ड है, OMR शीट, इस प्रकार की जानकारी, इसको करने के पश्चात आप क्या करें, आगे बढ़ दीजिए। मैं ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, ताकि हम आगे की प्रोसेस देख सकें। तो इसको आगे बढ़ाया मैंने, आगे बढ़ा के आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मेरा नाम आ गया है, ठीक है, नंबर, और यहाँ पर GAD, ठीक है, जिस विभाग की मैंने जानकारी मांगी है वो, और आगे की ओर ये देखिए आप पूरा जानकारी, ठीक, और वहीं हम इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के पश्चात आपके मोबाइल पर भी यही मैसेज आ जाएगा और इसे आप ओके कर दीजिए और ये स्क्रीन पर भी सेम मैसेज आएगा, ठीक। आगे की ओर देखिए आप कि यहाँ पर पूरी जानकारी दिखेगी, आप जैसे ही भुगतान करें वहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है, पहले आप इसको चेक कर लीजिए,
जैसे आप भुगतान करें पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, ये फीस पेमेंट का रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए 10 रुपये का अभी शो कर रहा है, जैसे ही आप पे करते हैं तो आगे इस पर सर्विस चार्ज वगैरह लग जाते हैं, जैसे पोर्टल चार्ज है आपका 12 रुपये लग जाएगा, ठीक है, 10 रुपये इसका अमाउंट है, तो टोटल आपकी जो फीस है वो 22 रुपये हो जाएगी। तो इसे आप डन कर लीजिए, ठीक है, यहाँ कियोस्क या फिर सिटीजन, ठीक है, किसी एक पर भी कर लीजिए, प्रोसीड करिए। जैसे सिटीजन मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर आईडी वगैरह पासवर्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, आगे बढ़ाने के पश्चात आप UPI, IMPS या डेबिट कार्ड वॉलेट इस प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट कर दीजिए सिंपल सा, तो ये देखिए मैं बता देता हूँ और आगे, ठीक है, तो ये रही पूरी प्रोसेस। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों, अब तो ये बहुत आसान हो गया है कि आपको अब वहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।